आज मैं पाव भाजी बना रही हूँ। मैं जा रही हूँ पाव भाजी बनाने। इसमें लिया मैंने अदरक, ग्रीन चिली और लहसुन। बहुत खट्टा था। क्रॉस किया है? ये हो गया अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें आप अदरक लहसुन जितना डालोगे उतना अच्छा आपका टेस्टी होगा। और ये मैंने पाव भाजी के लिए जो उबाला है उसमें अगर आप बीट डाल दोगे ना तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी होगा। इसके लिए बीट डालना ना भूले, हेल्दी भी रहेगा और खाने में भी टेस्ट चेंज होता है। सॉरी, आप एक बार प्लीज इसको फॉलो करें। कि मैंने भी अपने से ही बीट डाला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने डाला है आलू, टमाटर, फ्लावर और बीट और गाजर। आप उसमें बीट डालिए, बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत ही ज़्यादा, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा होगा। एक बार कलर भी चेंज होगा और आप खाएं हेल्दी भी रहेगा। बच्चों को ऐसे दो तो खाते नहीं है, इसके लिए इसमें डाल दो, बहुत ही टेस्टी होगा। अच्छा मुझे मम्मी मैं हाय बोलूं? मैं हाय हाय बाय हाय मैं यूट्यूबर। तेरा मैंने बटर डाला, काला और जीरा, उसके बाद प्याज। ये मैंने लाल मिर्चा पाउडर डाला क्योंकि इसे कलर पाव भाजी का बहुत ही अच्छा आता है। मैंने थोड़ा एक चम्मच हल्दी डाल दिया है।
लगेगा। ये देखा मेरा बन गया पाव भाजी। कैसा बना है? ब्लॉग माय क्यूट फैमिली ब्लॉग व्लॉग। हमारा गार्डन है और हमारा देख सकते हैं ये हमारा अपना खुद का